और अब जो नेक्स्ट सेलिब्रिटी गेस्ट बुला रही हूँ मैं, कभी कभार ये खौफनाक अम्मा और सास बनी हुई होती है, लेकिन रियल लाइफ में कोई जानू अम्मा है ये, क्योंकि इनके बच्चों से मैं मिल चुकी हूँ और जिस तरह इन्होंने अपने बच्चों को बढ़ावा दिया हर चीज़ में, लाइक पढ़ने लिखने के बाद उनको जो फील्ड चूज करने का दिल चाहा इनकी अम्मा ने करने दिया, क्योंकि अक्सर जो है ना समाज की दीवार अम्मा ही बन जाती है, नो नो डॉक्टर बनना है तुमने। आइए वेलकम करते हैं परवीन अकबर को उनकी बहुत ही टैलेंटेड बेटी के साथ, जिनका नाम है राबिया कुलसुम। अस्सलाम वालेकुम, पहले तो आप आए ना जरा कपड़े वपड़े दिखाए, थोड़ी अच्छी आज आप तैयार होके आए हैं, वरना लॉन के जोड़ों में हम टीवी पे देख पाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, बिल्कुल वही ना भाई, अब परवीन आप इतनी स्मार्ट लग रही हैं आज, मैंने कहा है जरा बड़ा अच्छा मस्टर्ड कलर जो है वो, कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र, आप बताएं खैरियत भाई। परवीन आपा जो है, मैं वही तारीफ कर रही थी कि इन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया और कहा जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी, जो भी चूज करनी है। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन पढ़ाई पे हमेशा से अम्मी का बड़ा जोर रहता है, सख्त अम्मा थी और फॉर द राइट रीजन। और अब हम, पहले तो बड़ा बुरा लग रहा होता था, लेकिन अब जो है हम ये रियलाइज करते हैं कि बाकी पढ़ाई बहुत जरूरी थी और पढ़ लिख के और जितनी सख्तियाँ होती थी बिल्कुल सही होती थी, है ना, वो बाद में पता चलता है कि यार ये हमारी बेहतरी के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे तो अपने बच्चों को लॉजिक्स देनी पड़ती है, देखो तुम्हारी बेहतरी के लिए, इस जनरेशन का मसला है, पूरी लॉजिक्स मांगते हैं ये आप क्यों कर रही हैं, इतनी पाबंदी आप क्यों लगा रही हैं। बिल्कुल है। फिर वो नहीं, हमें तो एक पढ़ती थी और हम कहते थे बस, अच्छा बस चुप, हाँ चुप, मतलब एक मजबूत वाली। किस किस चीज से पढ़ी है? माशाल्लाह माशाल्लाह, हर एक के लिए अलग अलग वो लड़कों के लिए पाइप रखा हुआ था, एक टुकड़ा पाइप का था, बिल्कुल ऐसे अलग हथियार थे सबके लिए, पाइप भी है इनके लिए था, लेकिन फॉर्चुनेटली इससे मार नहीं के लिए, राबिया के लिए क्या था, इससे कभी मार खाई नहीं, अल्लाह का शुक्र है। मैं मशहूर हूँ ऐसे खानदान में और हर कोई ये कहता है ये वाहिद है जो सबसे बची है, तो एक ही बेटी है जी मेरी, तो तभी तो एक बेटी जो होती है तो फिर वो नहीं, मगर एक बेटी ने कभी शिकायत का मौका नहीं दिया, वरना पाइप इन पे भी इस्तेमाल हो सकता है। तो सबसे ज्यादा पाइप इस्तेमाल किस पे हुआ? फैजान पे। फैजान तो बीच चौराहे में भी पिटे हैं, स्कूल में इधर उधर हर जगह, वैसे तीनों बहुत पिटे, लेकिन फैजान में बच्चों के लिए एक रिस्ट्रिक्शन थी कि भाई मगरिब की अजान हो तो घर आ जाए। अच्छा, ये क्रिकेट खेलते थे पीछे ग्राउंड में, एक दिन वो शायद कोई खेल फंस गया होगा, वो अजान हो गई, ये आया नहीं घर। अब जब मैं गई, मैंने पाइप उठाया, आया क्यों, जब मैं ग्राउंड में गई तो ये बैठे कर रहा था, इसने मुझे देखते ही बैठ छोड़ा और फिर मैं उसे मारते हुए घर ले, और दोस्त भी समझ रहे थे कि चलो अब तो चलो, अब तो दोस्तों ने भी चीजें छोड़ी है, चलो भाई खेल खत्म हो, नया खेल शुरू, और मैं उसे मारते हुए घर ले गई। जब एक बात कह दी है तो उसको आपने कैसे इग्नोर? अच्छा, ज्यादा रोब अब्बू का घर में या अम्मी का? नहीं नहीं, अम्मी का, अब्बू दोनों वैसे बहुत चालाक है, गुड कॉप बैड कॉप खेलते हैं आज भी साथ में, कूल साइड रखते हैं अपनी, और अम्मी जो है वो बैड कॉप वाला सीन है, लेकिन अम्मी से दोस्ती भी होती है। अच्छा हाँ, ये बड़ा इसमें कैसे बैलेंस रखा जाता है, सारी माओं को प्लीज ये बताएं आप कि कब कब अच्छा बनना है, कब दोस्त बनना है, कब थानेदार बनना है। हमारे बुजुर्ग जो थे वो ये कहते थे कि जी खिलाओ सोने का निवाला और देखो शेर की निगाह से, मारने की नौबत ही नहीं, आपकी आंख के इशारे पे हो बच्चा। तो लेकिन ये है कि बच्चों से उतनी फ्रेंकनेस भी रखें ताकि वो आपसे झूठ ना बोले। हम तो आंखें फाड़ फाड़ के थक जाते हैं, हमारी तो नजर से कोई रोक ना, पागल हो गए हम तो, आप लेंस वाली आंखों से भागे हो। बच्चे कहते क्या आंखें क्यों इतनी बड़ी बड़ी कर रही हैं, क्या क्या कह रही है। वो यही था कि हमने बच्चों को नजर पे रखा था, मतलब जब छोटे थे कोई ईदी देता था तो वो पहले हमारी तरफ देखते थे कि ले या ना ले, और वो नजर आज भी वैसी ही है, कहीं मिल जाए ना वो जर कहते ओ अच्छा समझ नहीं, हमारे बच्चे तो कहते जो वाली ईदी थी वो तो दया वापस आपके पास रखवाई थी निकाली, हम तो जाते ही बच्चे आते थे ये लीजिए ये ले अम्मी ये कमाई आई बगैर बगैर मांगे, ये तो डॉन है यार। आज के प्रोग्राम से लोग बहुत रिलेट
रिलेट करेंगे जो सबकी अपनी अपनी स्टोरीज होगी ना उससे बड़े रिलेटेबल होगी। बच्चों को बहुत कंट्रोल में रखना चाहिए, बहुत बहुत जरूरी है। और पता है नई रिसर्च भी कह रही है, पहले बीच में थे ना नहीं बच्चों को मारना नहीं चाहिए, वो अब वो थक हार के वो माँ बाप जो कहते हैं नहीं मारना नहीं चाहिए वो कहते हैं सख्ती करनी चाहिए, कहते हैं मारो, वो कहते हैं सख्ती करो बच्चों पे।